कपूर अस्पताल से मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पवन मिश्रा। दिल्ली में मैक्स और फोर्टिस अस्पताल का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि दिल्ली के एक और प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। जहां दिल्ली के बीएल कपूर अस्पताल के लापरवाही का मामला सामने आया है, ग्वालियर के रहने वाले नीरज गर्ग ने अपनी बेटी के इलाज के लिए यहां पर बेटी को भर्ती कराया था। एक महीने के इलाज के दौरान 17 लाख का बिल बना दिया गया, हालांकि उनकी बेटी को बचाया नहीं जा सका। जब बिल के मामले में उन्होंने जब पूछताछ शुरू की तो अस्पताल प्रशासन इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। साथ ही यह भी आरोप लगा है कि इलाज ठीक ढंग से नहीं किया गया है। इस मामले में जब हमने बीएल कपूर अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हालांकि अभी तक कोई बयान भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है। बहरहाल पीड़ित परिवार अभी ग्वालियर में है और न्याय की गुहार लगा रहा है। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।